एमएनएस न्यूज पर देखते आज की कुछ बॉलीवुड खबरें। प्रियंका फरहान की द स्टार इज पिंक की पहले दिन अच्छी शुरुआत। प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की फिल्म द स्काई इज पिंक सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिकली काफी सराहा गया है, मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। माना जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई है। मूवी ने पहले दिन 3 करोड़ की कमाई की है। बिग बॉस 13 के वीकेंड के वॉर में सलमान खान के मेहमान बनेंगे सुनील ग्रोवर, लगेगा कॉमेडी का तड़का। बिग बॉस 13 दर्शकों को एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज दे रहा है। खबर है कि अपकमिंग वीकेंड के वॉर में सुनील ग्रोवर और हर्ष लिम्बाचिया बिग बॉस में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे। सेलिब्रिटी एक्सप्रेस पर 4 हफ्तों के बाद ब्रेक लगेगा। 1 महीने बाद शो में फिनाले आएगा। किसी एक कंटेस्टेंट को फिनाले टिकट मिलेगा। फिर 2 महीने दर्शकों को कई मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। पिंक गाउन में हिना खान ने बिखरे जलवे, गोल्ड अवार्ड में छाया ग्लैमरस लुक। गोल्ड अवार्ड 2019 शुक्रवार की रात 11 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित किया गया। इस अवार्ड समारोह में टीवी की दुनिया की तमाम हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन सभी की निगाहें मोस्ट चार्मिंग एक्ट्रेस हिना खान पर टिकी रह गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।